हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएम टेक सॉल्यूशंस एडवांस एक्सेल कोर्स। आज के इस वीडियो में हम डेटा टैब में आगे बढ़ेंगे, जहां तक हमने अभी व्हाट इफ एनालिसिस वाले ऑप्शंस में सिनेरियो मैनेजर तक देख चुके हैं। आज हम गोल सिक ऑप्शंस को देखेंगे कि हम गोल सिक जो ऑप्शंस दिया यहां पर, हम उसका यूज कहां पर कर सकते हैं और किस तरह से कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिये, यहाँ पर हमने जो है कुछ डेटा लिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर डेज, सैलरी और टोटल दिया हुआ है। मान लीजिए आपको जो है 30 डेज आप वर्क कर रहे हैं, आपका जो डे का पर डे का जो सैलरी है वह 300 रुपीज है। तो यहाँ पर हम टोटल करेंगे तो यहाँ पर हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे, ये वाला सेल्स मल्टीप्लाई बाय और यहाँ पर सैलरी। तो 30 डेज है आपका, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे सैलरी के जो अमाउंट है, तो आपका जो टोटल अमाउंट होगा वह यहाँ पर 9000 रुपीज आ जाएगा। यहाँ पर जो है डेज है और यहाँ पर सैलरी है, पर डेज के हिसाब से आपका जो सैलरी है वह 300 रुपीज है और यहाँ पर हमने टोटल किया, यदि हम 30 डेज वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पर 9000 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर 30 डेज है, यदि यहाँ पर हम 28 डेज करते हैं तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक जो है यहाँ पर अमाउंट जो है आ जा रहा है कैलकुलेट होकर के, हमें कुछ ऐड नहीं करना पड़ रहा है, ना ही हमें वापस से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। यदि हम सैलरी में भी कोई चेंजेस करते हैं, मान लीजिए यदि 500 हो गया आपका डेली का जो सैलरी है, तो यहाँ पर देखिए 14000 रुपीज यहाँ पर ये टोटल अमाउंट दे रहा है। क्या होगा यदि हम यहाँ पर ये जो आपका टोटल अमाउंट है, यहाँ पर हम जो है जैसे यहाँ पर 14000 है, यदि हम यहाँ पर 15000 कर देते हैं, यहाँ पर देखिए ये ना तो सैलरी में कोई चेंजेस हुआ ना ही डेज में चेंजेस हुआ। जैसे यदि आप कोई कंपनी में जॉब पे आपको किसी को रखना है और आपको उसे जो है 15000 एडवांस देना है, अब 500 जो है पर डे उसकी सैलरी है, ठीक है, 500 पर डे सैलरी है और उसको अब हमें देखना है कि हम कितने दिन उससे काम करवा सकते हैं। यहाँ पर यदि हम चेंजेस करेंगे तो यहाँ पर 15000 हमने ऐड कर दिया, अब यहाँ पर हमें देखना है कि हमें कितने दिन उससे काम करवाना होगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर देखिए ये वाला सेल जो आपने अमाउंट यहाँ पर ऐड किया अभी 15000, वहां पर आपको सिलेक्ट करके रखना है सेल को और व्हाट इफ एनालिसिस में आपको गोल सिक वाले ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ पर गोल सिक वाले ऑप्शन में क्या करना है, यहाँ पर जो सेट सेल है हमने पहले से ये सेल को सिलेक्ट किया था, इसलिए यहाँ पर ये G2 वाला जो सेल है जहाँ पर हमने अमाउंट ऐड किया था वहां पर हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब वैल्यू क्या आपको पुट करना है, यहाँ पर देखिए 15000 है, एक काम करते हैं सबसे पहले हम इसको वापस से कैलकुलेट कर देते हैं। यहाँ पर हम 500 इक्वल टू 28 डेज मल्टीप्लाई बाय दिस सेल्स, अब यहाँ पर 14000 से, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे गोल सिक वाला ऑप्शन लगाएंगे, गोल सिक में आएंगे, यहाँ पर वह सेल सिलेक्ट है। अब यहाँ पर टू वैल्यू में हमें यहाँ पर 14000 है, हम 15000 रख करके देखना चाहते हैं कि कितने डेज में वह वर्क होगा, तो यहाँ पर हम 15000 ऐड करेंगे। अब यहाँ पर बाय चेंजिंग सेल हम किस में चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पर हमें डेज में देखना है कि हम कितने दिन जो है 15000 से यदि पे करते हैं उसको तो हमें कितने दिन उससे काम लेना होगा, यहाँ पर हम उस सेल को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमने 28 डेज को सिलेक्ट किया, ओके पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि पर डे सैलरी है 15000 आप एडवांस दे रहे हैं तो यहाँ पर आपको 30 डेज जो है यहाँ पर कैलकुलेट होकर के आ रहा है। यहाँ पर यदि आप ओके पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर चेंजेस हो जाएगा और यदि आप कैंसिल वाले पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर चेंजेस नहीं होता। उसी तरह यदि यहाँ पर आपको कोई और चेंजेस करना है, जैसे यहाँ पर गोल सिक वापस आएंगे, यहाँ पर सिलेक्टेड है 15000, अब यहाँ पर यदि टू वैल्यू यहाँ पर 15000 दिया हुआ है, हम यहाँ पर अभी 16000 कर देते हैं, ठीक है 16000 कर देते हैं। अब यहाँ पर हमें किस में चेंजेस करना है, यदि हम उसे 16000 दे रहे हैं तो यदि हम डेज पर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए 32 डेज वर्क कराना होगा, लेकिन अब यहाँ पर हमें चेंज करना है। जैसे यहाँ पर हमने ये वाले सेल को सिलेक्ट कर लिया है, अब यहाँ पर टू वैल्यू, अब यहाँ पर देखिए टू वैल्यू में हमें क्या रखना है कि हमें यहाँ पर जो 15000 है अब यहाँ पर हम 17000 करते हैं, ठीक है 17000 करेंगे बाय चेंजिंग सेल। अब हमें सैलरी की ओर ध्यान देना है कि हमें यहाँ पर 17000 टोटल अमाउंट होना चाहिए, हम उसे 17000 दे रहे हैं तो यहाँ पर 30 डेज उसको काम करना है तो उसकी सैलरी पर डे की कितनी होनी चाहिए उसे कैलकुलेट करना है। यहाँ पर आपको 17000 टू वैल्यू में आपको ऐड कर देना है और यहाँ पर क्या कौन से सेल में आपको चेंजेस करना है, तो यहाँ पर सैलरी वाले अमाउंट में हमें चेंज करना है तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ओके पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 566 रुपीज 67 पैसे जो है यहाँ पर जो है सैलरी का अमाउंट पर डे का दिखा रहा है कि 30 डेज यदि हम उसे वर्क करवाते हैं तो यहाँ पर 17000 यदि पे करते हैं तो उसकी सैलरी जो पर डे की होगी, यहाँ पर इस तरह से आप पर डे की सैलरी को निकाल सकते हैं। ओके पर क्लिक करेंगे और ये यहाँ पर शो होने लग गया। उसी तरह यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर देखिए हमने एक इंटरेस्ट रेट लिया है, लोन अमाउंट लिया है, पीरियड लिया हुआ है और यहाँ पर हमें ईएमआई कैलकुलेट करना है। यहाँ पर पहले से ही कैलकुलेट है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है 12% पर एनम के हिसाब से हमें लोन अमाउंट कितना है 2 लाख रुपीज, लोन अमाउंट जो है वह 2 लाख रुपीज है और यहाँ पर जो पीरियड है वह 24 मंथ के लिए लिया गया है, अर्थात 2 ईयर्स के लिए लिया गया है। अब यहाँ पर हमें देखिए ईएमआई या पीएमटी कैलकुलेट करना है, पीएमटी से यहाँ पर तात्पर्य है कि पेमेंट टर्म्स,
अब यहाँ पर हम EMI को कैलकुलेट करने के लिए हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे और यहाँ पर PMT टाइप करेंगे। PMT जो होता है वह EMI अर्थात पेमेंट टर्म्स को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है PMT फॉर्मूला, जिसे हम आने वाले एक्सेल्स का जो फॉर्मूला सीरीज होगा उसमें हम देखेंगे अच्छे से। यहाँ पर अभी हम बेसिक्स को देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने PMT फॉर्मूला लगाया, अब यहाँ पर आपको सिंटैक्स मिलेगा रेट, इसके बाद आपको एन पर मिलेगा जिसका मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड, उसके बाद आपको PV अर्थात प्रिंसिपल वैल्यू आपको ऐड करना है और उसके आगे हम देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर रेट देखिए, यहाँ पर जो रेट है वह इंटरेस्ट रेट हमें यहाँ पर ऐड करना है, तो यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। 12% पर एनम दिया हुआ है, लेकिन हमारा जो पीरियड है वह 24 मंथ्स दिया हुआ है। यहाँ पर मंथ्स है तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर एनम है, हमारा जो रेट होगा उसे हम 12 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम जो रेट है वह 12 से डिवाइड कर देंगे, उसके बाद कामा लगाएंगे। अब यहाँ पर नंबर ऑफ पीरियड आपको ऐड करना है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ पीरियड 24 मंथ्स है, अब आपको कामा लगाना है। अब यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू अर्थात जो आपका लोन अमाउंट होगा, आप लोन अमाउंट कितना ले रहे हैं जिससे आप EMI कैलकुलेट कर सके, तो यहाँ पर हम लोन अमाउंट को ऐड करेंगे। लोन अमाउंट को ऐड करने से पहले यहाँ पर जो प्रिंसिपल वैल्यू है यहाँ पर आपको माइनस लगा देना है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, एक माइनस लगा देना है, उसके बाद आपको एंटर बटन प्रेस कर देना है, आपका जो EMI होगा वह कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पर माइनस क्यों लगाया हमने, हम आगे आने वाले जो PMT का फॉर्मूला सीरीज होगा वहां पर हम देखेंगे। यदि आप यहाँ पर माइनस नहीं लगाते हैं तो देखिए क्या होता है, यदि हम माइनस को यहाँ से हम रिमूव करते हैं, अब इंटर बटन जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए आंसर में हमारा जो EMI कैलकुलेट होकर के आ रहा है वह माइनस में आ रहा है। अब ये माइनस में क्यों आ रहा है वो आगे आने वाली सीरीज में हम देखेंगे। अभी यहाँ पर हम यहाँ पर माइनस लगा देते हैं, जो प्रिंसिपल वैल्यू का जो अमाउंट यहाँ पर एड हुआ, जो सेल हमने सिलेक्ट किया था प्रिंसिपल वैल्यू में, यहाँ पर हम माइनस को ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर EMI कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम किस तरह से गोल सिक ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। गोल सिक क्या होता है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए आप किसी बैंक में कार्य कर रहे हैं और वहां पर जो है कोई कस्टमर आता है और आपको बोलता है कि हम 8,000 रुपीज तक EMI पे कर सकते हैं, उसका जो EMI है वह 8,000 रुपीज तक भर सकता है, तो उसको कितना लोन अमाउंट मिल सकता है यदि वह 12% यहाँ पर आपको 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट रेट रहेगा और वह 24 मंथ्स अर्थात 2 साल के लिए यदि लोन लेता है, तो यहाँ पर आपको EMI कैलकुलेट करना है। यहाँ पर आपको लोन अमाउंट यहाँ पर शो करना है कि यदि वह 8,000 रुपीज हमें EMI देना है वह भर सकता है, तो यहाँ पर लोन अमाउंट जो है कितना हम दे सकते हैं। अब यहाँ पर आपको लोन अमाउंट जो है कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर EMI से लोन अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वह गोल सिक ऑप्शंस की मदद से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको EMI को सिलेक्ट करके रखना है, जो EMI का सेल है जहाँ पर आप कैलकुलेट करेंगे, व्हाट इफ एनालिसिस में आएंगे, गोल सिक वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर आपका जो सेल है वह पहले से सिलेक्ट रहेगा। टू वैल्यू कहाँ पर हमें चेंजेस करना है, तो यहाँ पर हमें 8,000 रुपीज जो है आप जो है EMI वह पे कर सकते हैं, तो यहाँ पर 8,000 रुपीज यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर कौन सी सेल में चेंजेस होने वाला है, तो यहाँ पर लोन अमाउंट में चेंजेस होने वाला है, तो इस सेल को हम सिलेक्ट कर लेंगे और जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए यदि वह 8,000 रुपीज EMI पे कर सकता है तो उसको जो लोन अमाउंट मिलेगा वह 1,69,947 रुपीज का जो लोन अमाउंट होगा वह मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम गोल सिक ऑप्शंस का यूज करके आसानी से यहाँ पर जो लोन अमाउंट है वह EMI की हेल्प से निकाल सकते हैं। आई होप आपको यह गोल सिक वाला ऑप्शन समझ में आया होगा। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।